फ्रेंड्स, मेरा नाम रमनपाल और आप देख रहे हैं टेक कार गेमिंग। फ्रेंड्स, आज हम खेलने वाले हैं ग्रीन चैप्टर 2। इस वाली वीडियो में ये गेम बहुत ही हार्ड है, मतलब ये गेम को करते करते बहुत ही मुश्किल। मैंने बहुत पहले भी ये खेला था, मतलब मैंने बहुत वीडियो बनाने से पहले, बहुत देर से पहले मैं खेला था मैंने ये गेम। तो गेम थोड़ा हार्ड, मतलब डरावना है काफ़ी, थोड़ा हार्ड तो ज़्यादा नहीं है, मतलब कहने के लिए हार्ड नहीं है, पर गेम डरावना बहुत है, इतना मुझे पता चल गया। तो गेम तो शुरू करते हैं। बाकी गेम के बारे में, तो गेम में आपको करेक्टर बता देता हूँ। गेम में दो करेक्टर हैं, और मतलब करेक्टर तो खैर तीन है, दो करेक्टर जो विलन है, मतलब वो दो करेक्टर हैं, एक तो ग्रैनी और ग्रैंडफा, जो कि मतलब हमें पता नहीं जाने से रोकते हैं, मतलब हमें बाहर नहीं जाने देते और हमें कैद कर रखा है। तो बाहर कैसे निकलें, ये इसमें सामान, इसमें गेम में ही है सारी चीज़ है। तो हमें सामान ढूंढना है और हमें हेलीकॉप्टर से या बोट से हमें बाहर जाना है, इसमें ये बताया गया गेम में। तो फ्रेंड इतना ही है इस गेम में, और उसके बाद ही गेम हो जाता है, इस गेम का हो जाता है दी एंड। तो चलिए फ्रेंड शुरू कर लेते हैं। स्टार्ट मैं प्ले का बटन दबा के गेम को आगे के लिए कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने प्ले कर लिया था, और मैंने ग्रैंड अभी फिलहाल तो मेरा ग्रैंडफा हो रखा था, बाकी मैं अभी कर लेता हूँ बहुत, मतलब दोनों साइड का कर लेता हूँ, दोनों ग्रैंडफा ग्रैनी आ जाएंगे। तो अब आगे जाकर मुझे दबाना है, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी थी पहले, अब देख लेना पढ़ लेना, फिलहाल मुझे तो पता है उसके बारे में क्या क्या है। तो आगे का लोडिंग हो रहा है गेम, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है इस गेम में। बाकी तो और कुछ मतलब खास ही है, गेम अच्छा लगा। डे वन शुरुआत हो चुकी है, मतलब हमें यहाँ पर 5 दिन रहना है फिलहाल। और यहाँ पर मेरा करेक्टर जो है, करेक्टर वो उठ चुका है और बेचारा लेटा हुआ है, मार के लग रहा है लिटा दिया है इसको, तो इसे मैंने लिटा दिया और लिटा रखा है। और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मुझे देखता हूँ क्या है बाहर। तो घर है ये, यहाँ मुझे बंद कर रखा है, और यहाँ ऐसे यहाँ पर डोर है वगैरह, तो यहाँ से मुझे निकलना है, तो यहाँ पर सामान ढूंढना पड़ेगा। बाकी तो इधर यहाँ एक कैमरा लगा है, बाकी पता नहीं इसमें से कैमरे देखते होंगे शायद ज़्यादा कुछ तो। और ये गेट में ये क्या है पता नहीं, तो इस पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो कि सजा वगैरह देते होंगे। तो इस बटन को नहीं दबाता हूँ, क्या मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं उस बटन को नहीं दबाया मैंने। बाकी अब नीचे जाकर देखता हूँ नीचे क्या है, तो नीचे बहुत अंदर है वैसे तो। तो यहाँ पर एक डक टेप पड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक लॉक है, तो लॉक तो पता नहीं किस काम का है फिलहाल, इसमें पता नहीं क्या होगा, लॉक लगा रखा है बाकी। और इसमें एक डक टेप उठा लेता हूँ, इसको मैं उठाने के लिए तो आप उस हाथ पे क्लिक कर दोगे ना, तो वो डक टेप उठ जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। तो क्या करना है कि अभी यहाँ पर डक टेप लेना है, कि अभी जो ग्रैनी है, ग्रैंडफा है ना, वो आवाज़ सुन के आ जाती है, ग्रैनी आवाज़ सुन के आ जाती है। तो इस पर यहाँ पर मुझे क्या करना है कि यहाँ पर आवाज़ कर देनी है, मैंने यहाँ पर टेप गिरा दिया है, तो उसे आवाज़ सुनाई दे जाएगी मेरे को। तो ग्रैनी जो है ना, वो मतलब ग्रैनी आवाज़ सुन लेती है और नीचे आ जाती है। ग्रैंडफा मतलब ग्रैंडफा सुन नहीं सकता, मतलब सुन तो ग्रैंडफा देख सकता है ग्रैनी, और ग्रैनी यहाँ पर आ गई है, मुझे छुप जाना चाहिए। और भाई ग्रैनी ने मुझे देख लिया, और भाई साहब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। तो ग्रैनी पूरी तेज़ भागती है, और यहाँ पर क्या करता हूँ कि वो भाई इसे गेट को बंद करता हूँ, गेट को बंद करना पड़ेगा, अरे जल्दी से बंद हो। और अभी क्या करना है कि मुझे बेड के नीचे छुप जाना है। अब देखता हूँ ग्रैनी पता नहीं आएगी नहीं आएगी, तो थोड़ा इंतज़ार करता हूँ और देखता हूँ ग्रैनी आने वाली है नहीं आने वाली है। फिलहाल तो अब देखता हूँ, बहुत देर होगी, ग्रैनी शायद आई नहीं मेरे साथ मिलने के लिए, तो अभी निकलना पड़ेगा, देखता हूँ मुझे ग्रैनी से। तो ग्रैनी क्या कर रही है कि नीचे जा रही है, मुझे लग रहा है जो ग्रैनी है ना वो नीचे, तो क्या कर रही है ग्रैनी उधर को नीचे को जाइए। तो मुझे लगता है कि मुझे नीचे का फायदा उठाने के लिए मुझे ऊपर भाग लेना चाहिए, जल्दी से मैं जाता हूँ ऊपर ग्रैंडफा मिल जाए, कहीं मेरा टकला फोड़ दे और मैं नीचे मैं यहाँ पर बेहोश गिर जाऊँ। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ग्रैंडफा कहीं और सो रखे शायद, हाँ ग्रैंडफा सोते भी है फ्रेंड्स, तो ग्रैंडफा शायद यहाँ तो है नहीं, अचानक से आगे कहीं मेरा मुँह पे कुछ दे के ना मार दे। तो मुझे ओ ग्रैंडफा यहाँ पर बुढ़ा कहीं का बड़े आराम से जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ग्रैंडफादर चलेगा अच्छी बात है। और यहाँ पर इसकी बाथरूम है, बाथरूम कितनी सड़ा रखी है लग रहा है, यहाँ पानी नहीं आता। यहाँ पर देख पिक्चर पड़ी है, पिक्चर का पीस पड़ा हुआ, लग रहा है आगे काम आने वाला है ये। फिलहाल यहाँ पर एक स्पार्क प्लग है, पता नहीं किस काम आने वाला, इसका तो मुझे कुछ खास नहीं पता। और पिक्चर का शायद तो पता नहीं, पिक्चर तो काम आ जाएगी। इसे क्या करता हूँ, एक जगह ये सारा सामान है ना वो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि उठाने में मेरा फ़ायदा हो जाए। तो ऐसा करता हूँ, ये सारी पिक्चर है ना, वो ग्रैंडफा भाई वो भी लग गया था, ग्रैंडफा एक ही मारता ना। तो यहाँ पर इधर से ग्रैनी आए, तो मुझे ऊपर भाग लेना चाहिए जल्दी से। तो यहाँ पर मैं ऊपर भाग रहा हूँ, और यहाँ पर एक बेड पड़ा है लग रहा है। तो यहाँ पर एक पिक्चर पहले से ही है, तो ये वाली पिक्चर मैं गिराता हूँ, और ग्रैनी यहाँ से आने वाली होगी। तो फिलहाल मुझे गेट लगा देना चाहिए, और मैं उधर जाकर देखता हूँ। तो ये तो यहाँ तो लग रहा है ये अलग रूम है, लग रहा है ऊपर वाला रूम है लग रहा है ये। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसे वाला गेट नहीं लगता, मैं डोर लगाऊँ, तो ये खोल देता हूँ मैं यहाँ से,
यहाँ से लग रहा तभी नहीं आ पा आ पा रहा था मैं, तो यहाँ से तो बिल्कुल भी कुछ है नहीं। तो मुझे लग रहा है ना ग्रेनी आ ना जाए, मुझे बहुत से डर लग रहा है कि ग्रेनी आ ना जाए। तो फिलहाल अभी मुझे लग रहा नहीं कि मैं उस वाला गेट को लगा देना चाहिए मुझे, क्योंकि अगर यहाँ से आया तो ना एकदम से पता तो नहीं चलेगा ना, इसलिए मैं यहाँ खोल के देखता हूँ इसमें क्या पड़ा है। तो इसमें कुछ खास मतलब है ही नहीं कुछ खास क्या। तो यहाँ पर एक बैंड के अलावा यहाँ पर एक ब्रांड पड़ा है, उसके अलावा मेरे उसमें यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ड्रॉवर खोल के देखता हूँ, यहाँ कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। फिलहाल तो यहाँ कुछ है ही नहीं, मैंने ढूंढ लिया। तो नीचे जाके भी देखना है और यहाँ पर लास्ट वाला लगे इस वाले को देख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या पड़ा है, यहाँ पर एक वेपन की पड़ा है जो मेरा आगे काम आने वाला है बहुत ही ज़्यादा। तो अभी क्या करता हूँ मैं अपने वेपन निकाल लेता हूँ। आपको ये वाले गेम का मतलब कुछ लोगों को पता नहीं चलता है कि वेपन कहाँ रखे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी वेपन ज़्यादातर कहाँ रखे होते हैं। तो आपको वेपन के लिए एक पासवर्ड मतलब होता है, और ये देखते हो क्या, तो वेपन के लिए एक पासवर्ड होता है, उसमें पासवर्ड को खोलना पड़ता है तब वेपन निकलते हैं। तो यहाँ पर मैं अंदर जाकर देखता हूँ। हाँ यहाँ पर मतलब मैं यहाँ पर एक ड्रॉवर रखा है फिलहाल, तो यहाँ एक ड्रॉवर ड्रॉवर नहीं मतलब एक पासवर्ड है, इसको मैंने उधर करना है। फिलहाल यहाँ से क्या करना है आपको, एक ये बुक है, बुक का स्लैब जो है कि बाहर कर देना है, मतलब बाहर कर देना है, उस पर क्लिक कर देंगे तो बाहर, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा कि फ्रेंड्स की जो ड्रॉवर हो ना वो ऑटोमेटिकली उधर को हो जाएगा। आप करोगे तो आपसे भी हो जाएगा फिलहाल, और बाकी जो मतलब खुद करोगे। तो यहाँ पर वेपन वगैरह रखे हुए हैं जिससे कि मैं बुड्ढे का टकला फोड़ने वाला हूँ, और बुढ़िया का भी जिसने मेरा मार मार के बुरहाल कर रखा था पिछली बार। फिलहाल तो अभी तक मैं नहीं पिटा उसके हाथों, लेकिन अगर अभी उसके हत्थे चढ़ गया ना तो भाई साहब एक ही मारेगी जो मेरा थोबड़ा गर्म होकर ना बेड पर लिटा देगी। तो यहाँ से मुझे लग रहा कोई होने का तो है नहीं, लेकिन अभी फिलहाल बाहर निकलता हूँ और जैसे आएगी ना थोबड़े पर गोली मारूंगा और तुरंत मर जाएगी वो। तो यहाँ से तो फिलहाल तो यहाँ कोई है नहीं, तो यहाँ तो अभी जाकर देखता हूँ। और वो बुढ़िया आ गई। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे एक गोली मारता हूँ, उसका होता है राम राम सत्य। तो यहाँ पर इसको तो बुढ़िया को तो मैंने मार दिया, वैसे बुढ़िया को मारने और बुढ़ा भी ले तू भी खा एक गोली, तूने बहुत बुढ़ा बुढ़िया का रखा भयंकर। और इसके आगे में की रखी है सिक्योरिटी की, तो की मैंने ठा लिया। और इसका एक दरवाज़ा होता है जो कि इसके गले में था, इसको बड़ी मुश्किल से मिलती की वगैरह। तो अभी जाता हूँ जो ऊपर का जो मतलब जो रूम है वगैरह उसकी की इसके जेब में थी, उससे खोलूंगा। तो इसे यहाँ पर अभी गिरा देता हूँ। क्या करना है कि मुझे अपनी जो है कि बंदूक भी लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि उसका काम बहुत काम पड़ जाता है, इसलिए बंदूक तो मुझे लेके आनी ही पड़ेगी। तो फिलहाल मैं नीचे जाता हूँ, जल्दी से बंदूक लेके आता हूँ अपनी। तो यहाँ से लग रहा है अनस्पॉन हो गए वो, तो बुढ़ा जो था और बुढ़िया थी वो अनस्पॉन हो चुके हैं। तो फिलहाल तो उनको मैंने और यहाँ पर इस पर बिल्कुल बंदूक मतलब मेरे पास जो गोलियाँ वगैरह थी एम ए वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब मुझे ऊपर गोलियाँ रखी थी तो फिलहाल वहीं से ले लूँगा मैं। तो बुढ़ा बड़ी जब तक तो नहीं आने, क्योंकि वो दो मिनट तक पूरे मतलब अनस्पॉन ही रहते हैं। तो फिलहाल तो क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं जो एमओ है वो मैं यहाँ से ठा लेता हूँ। तो यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ और यहाँ तो कोई है नहीं लग रहा मुझे, और एक पिक्चर का बीज तो यहाँ भी पड़ा है। फिलहाल इसे बाद में लूँगा, इसमें देखता हूँ क्या है। तो इधर से तो नहीं आने के मुझे डर लग रहा है, क्योंकि जब आएंगे ना तो अचानक से आते हैं और एकदम से मुंह तोड़ देते हैं वो। तो फिलहाल तो यहाँ से एक पिक्चर का पीस ये पड़ा है, इसे छोड़ो और अभी जाकर देखता हूँ। और हाँ मुझे तो इस गन को यहाँ गिराना है मुझे। और तो मैंने क्या करा कि यहाँ पर से मैंने पिछले वाला दरवाज़ा लगा देता हूँ, और मैंने यहाँ पर ही मैंने की ठाई है, इससे मैं इसका लॉक खोलने वाला हूँ। तो यहाँ मैं ऐसा करता हूँ कि इसका लॉक खोल देता हूँ यहाँ से, और ये भी मुझे ड्रॉवर में देखता हूँ क्या है। फिलहाल यहाँ से लॉक तो काफ़ी सामान है यहाँ पर, और ये लॉक खोल देता हूँ और ये यहाँ गिरा देता हूँ। इस पर की पड़ी है बोट की, और यहाँ पर बुढ़े ने कैमरे वगैरह भी लगा रखे हैं, तो इसे बाद में देखूंगा। फिलहाल अब भाई जो बाकी सामान है इसे तो मैं आपको दिखाई दूंगा बाद में इसके अंदर क्या है मतलब। तो बाकी मुझे बाकी सामान लाने हैं जो कि मतलब इम्पोर्टेंट है, तो इसमें देख लेता हूँ और क्या क्या चीज़ है, क्योंकि मुझे इसमें गेम में क्या होता है कि हर चीज़ ढूंढनी पड़ती है। तो ऐसे ही मैं जो मतलब जो ऐसी चीज़ें सब ढूंढ लेता हूँ, और मुझे लगता है ना मुझे गन हाथ में ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर सामने आ गए तो सीधा मेरे मत्था ही तोड़ेंगे, इसलिए मुझे साइड मतलब अपनी गन नहीं चाहिए। और देखते हैं क्या होता है, आ देता हूँ और यहाँ देखता हूँ यहाँ पर क्या करना है आपको। यहाँ पर क्राउच हो जाना है, क्राउच होने के बाद आपको मतलब ये साइड को कर देना है। यहाँ से मैंने इसको गिरा देता हूँ, और यहाँ पर एक डोर का हैंडल पड़ा है। हाँ यहाँ पर डोर का हैंडल, तो फिलहाल इसका कुछ काम नहीं है, मैंने पहले से खेला था कि तो इसका कुछ काम नहीं है, ज़्यादा कुछ काम नहीं। तो यहाँ पर भी कुछ है नहीं, अरे यहाँ होना चाहिए था कुछ, तो यहाँ तो कुछ है नहीं। बाकी मैं इसको ढूंढ लूँगा, सब सामान तो मिल ही गया है, तो बाकी ढूंढ लूँगा। और यहाँ से खड़ा हो जाता हूँ और देखता हूँ
और एक बूढ़ी आ गई, बूढ़ी आ गई, इससे लग रहा बचना होगा भाई। मुझे इससे ज़्यादा डर लगा है, बूढ़े से भी लगा है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे डर लगता है क्योंकि भाई साहब ये भागती और ये इसके नीचे छुप जाता हूँ और मुझे पक्का ढूंढने वाली होगी। तो ये बुढ़िया भी इधर से उधर देखेगी, इधर से आँखें फैलाएगी, उसके बाद भाग जाएगी। तो बूढ़ी अपने उल्टे कदम लेके भाग गई है और मुझे यहाँ से लग रहा निकल अभी नहीं निकलूँगा वरना आगे मेरे मत्थे पे हथियार धरेगी। पता नहीं क्या है उसके हाथ में, मुझे कुछ अभी मैंने ढंग से नहीं देखा है। तो अभी फ़िलहाल तो ऊपर मुझे बेड से निकल जाना चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो चली गई होगी। तो यहाँ से मैं फालतू की बुढ़िया चली गई थी और मैं बाहर आ गया था, दर्द आपने देख ही लिया होगा। और फिलहाल तो यहाँ से मुझे गेट लगा लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि एक यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह रखे हैं सीसीटीवी कैमरे के, और यहाँ से तो यहाँ पर एक पिक्चर ऑफ पीस पड़ा है, इसे मैं ठा लेता हूँ। बाकी तो और क्या करना है, मुझे पिक्चर ऑफ पीस ही ठाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से मैंने पिक्चर ऑफ पीस उठा के अंदर को डाला क्योंकि इस पर एक ही सामान एक बार में ठा सकते हैं बाकी, और उसमें मतलब ये ऊपर भी ले जाना है मुझे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब सीढ़ी का मतलब लैडर का ऑप्शन आ रहा होगा, अब ऊपर चढ़ जाएँ लैडर से। तो बाकी जो जो देखा देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहाँ आगे बढ़ता हूँ और यहाँ तो यहाँ एमओ पड़ी है और ये ड्रॉवर पक्के हैं। तो यहाँ पता नहीं क्या रखा है, जेल वगैरह बना रखी है, मुझे नहीं पता। तो ताला, तो यहाँ पर पिक्चर और पीस लगेंगे, यहाँ पर मिसिंग पीस जो है पिक्चर जो मैंने कलेक्ट कर रही है वो वाली जो पिक्चर्स वगैरह, यहाँ लॉक लगा है। और बाकी इन्हें लेके आता हूँ पिक्चर्स भी, यहाँ पर तो वही काम है बस। और फिलहाल उसके इसके अलावा खुलने का भी नहीं, यहाँ ड्रॉवर वगैरह रखे हैं यहाँ पर तो कुछ है नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर ड्रॉवर में सारे ड्रॉवर मैंने छान मारे हैं, यहाँ पर कुछ भी ढंग का मतलब है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर पिक्चर ऑफ पीस पड़ा है, यहाँ पर उसे ठाता हूँ और ऊपर लेके जाता हूँ। पिक्चर्स लेके आ गया था और यहाँ पर मैंने डाल दिया, यहाँ पर मैंने ऐसे करके मुझे सारी पिक्चर हौले हौले करके, जो सारी पिक्चर है मुझे हौले हौले करके सारी पिक्चर मतलब उसमें डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसे मैं खोलता हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है ये हाँ चलो अच्छा हुआ लॉक नहीं हुआ। क्या होता है कभी कभी ना, जो होता है ना कि बंद कर देते हैं बाहर से, और यहाँ पर बुढ़िया सामने ही है तो बुढ़ा तो है नहीं लग रहा है। तो इसे बंद कर देता हूँ और ये पिक्चर पीस पड़ा होगा। तो यहाँ पर एक गन मेरी यहाँ तो पड़ी है और गन ठा लिया, और यहाँ पर कोई आ जाए मेरे सामने मुँह फोड़ कर रख दूंगा। तो यहाँ पर मैंने गिरा दिया और बुढ़िया आने वाली होगी क्योंकि बुढ़िया को आवाज़ सुनाई दे जाती है, मैंने आपको पहले से बता रखा हो। तो यहाँ पर बुढ़िया आ चुकी है और भागते भागते आ रही है, यहाँ से मुझे डर लग रहा है बुढ़ा ना आ जाए। इसे जल्दी से खोलता हूँ, इसे बंद भी करना है क्योंकि, और बेड के नीचे छुप जाता हूँ। आएगी लेकिन मैं चाहूँ तो उसे गोली मार सकता, लेकिन मैंने सोचा नहीं मारता, अपनी गोली को वेस्ट नहीं करता हूँ। तो इसे अभी आने वाली मुझे लग रहा है, आ जाएगी गेट खोल के तो आएगी शायद। तो इसे आ गई आ गई आ गई, चलो भाई एक ही दुख धरती अगर मैं ऊपर होता तो और मर जाता मैं, इसीलिए अच्छा हुआ। तो अभी तक तो मैं आउट नहीं हुआ हूँ, बहुत देर हो गई थी मुझे आउट नहीं हुआ हूँ बहुत देर से। तो शायद चली गई, शायद मुझे लग रहा कि चली गई। तो अभी बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ कि क्या है। तो यहाँ पर दो पिक्चर और पीस पड़े हैं, इन्हें भी मैं ठा लेता हूँ और ऊपर ले जाना है मुझे। तो यहाँ पर क्या करता हूँ कि अपनी शायद इसे ठा लेता हूँ और गन यहाँ पर यहीं पर गिरा देता हूँ अपनी। तो इस वाले रास्ते से जाता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। पर तो बुढ़ा मतलब और ना बुढ़िया दोनों हैं, तो मुझे जल्दी से जल्दी क्या करना है, यहाँ भी नहीं है और उधर देख लेता हूँ यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ पर जल्दी से अंदर को लेके जाता हूँ इसे और जल्दी से गेट भी लगा यहाँ पर गिरा दिए। तो ऐसा करता हूँ कि पहले मैं सारी पिक्चर लेके ही आ जाता हूँ क्योंकि बार बार गेट लगाने से ना और बंद करने से डिस्टर्ब होगा, मतलब एक मर जाऊँगा मैं बार बार। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि क्या करना है मुझे सारी, हाँ शायद हाँ तो आ गई शायद पिक्चर, तो इसे बाद में लेके जाऊंगा। फिलहाल तो अभी मैं क्या करता हूँ कि जितनी पिक्चर, हाँ एक पिक्चर तो मैं पहले लगा के आ गया था, मैं भूल गया था कि एक पिक्चर मैं पहले से लगा के आ चुका हूँ, देख लेना आप देख सकते हो। तो एक पिक्चर रह गई, इसे भी लगा देता हूँ जल्दी से। और भाई मैं अचानक से बहुत डर गया था कसम से, एकदम से उसने एक डरा, मुझे तो पता भी नहीं था कि एकदम से आ जाएगी वो, सच कह रहा हूँ। तो Day 2 हो चुका है मुझे, एक बार आउट हो चुका हूँ मैं, तो अभी पता नहीं मुझे बहुत डर लगा, मुझे तो पता भी नहीं था भाई अचानक से आ जाएगी, उसने एकदम से डरा दिया मेरे को। तो यहाँ पर एक डुक में मुझे लंगड़ा कर दिया, उसने मुझे पक्का बताया। तो भाई तो एक भाई अब शुरू से जाने में तो गन वहीं पर पड़ी होगी, बाकी तो गेट पता नहीं बंद ना होगी। तो यहाँ पर इसे क्रोबार चाहिए इसके लिए, तो यहाँ पर क्रोबार तो है नहीं मेरे पास फिलहाल, क्रोबार तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ तो है नहीं कोई लग रहा, आराम से जाना पड़ेगा, प्यार से जाता हूँ ऊपर देखता हूँ क्या है यहाँ पर, और लग रहा है यहाँ तो है नहीं। तो यहाँ इस वाले रूम में देखता हूँ, इस वाले रूम में आया नहीं था अभी तक क्योंकि, तो इसे अभी क्या करता हूँ, तो यहाँ तो एक
अजीब सा जानवर है भाई, इससे तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तो यहाँ पर बुढ़ा बुढ़िया की तरह मुझे इससे भी बहुत डर लग रहा है। और बाकी तो यहाँ से शायद आ जा सकते हैं, ये भी नहीं पता मुझे इसका क्या मतलब, यहाँ से पता नहीं क्या है इसका। तो मुझे क्या करना होगा कि मैं यहाँ को नीचे जाकर देखता हूँ, ये थोड़ा सा कुआ सा है, पता नहीं क्या है, तो इसे मैं जाके देखता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, है क्या? कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि जितना भी मतलब ऊपर चला जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं खड़े हो जाता हूँ और ऊपर से जब भागता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मिला नहीं मेरे को, फ़ायदा तो कुछ है नहीं है रुकने का, टाइम वेस्ट करने का। तो अभी क्या करना है कि मुझे ऊपर जाता हूँ, जल्दी से देख लेता हूँ कि, और गेट खोल देता हूँ, कहीं सामने आ रहा है, मेरा मुँह तोड़ रहे हैं एकदम से ही। तो यहाँ पर यहाँ तो देखता हूँ कि नीचे ना आ जाए। मुझे तो भाई इतना डर लग रहा है बाकी साहब कि बहुत ही ज़्यादा डर। तो यहाँ पर गेट बंद कर देता हूँ और यहाँ छुप जाता हूँ। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बुड्ढे ने देख लिया है। थोड़ा वेट कर लेता हूँ, देखता हूँ कहीं आ ना जाए, और लग रहा है कि आ भी सकता है वो। तो मुझे लग रहा है कि ओ भाई नहीं आया कोई, लग रहा नहीं आया। तो यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ कोई है तो है नहीं, तो मुझे बाहर जाना होगा बाकी। तो यहाँ से जाके देखता हूँ कि बाहर है तो नहीं, तो यहाँ तो कोई है नहीं। और यहाँ पहले ओ भाई बुढ़ी आ रही, बुढ़ी आ रही, बुढ़ी आ रही, लग रहा है भागना पड़ेगा बहुत बुरी तरीके से। मुझे तो भाई बुढ़ी ऐसा डर लगा है। तो यहाँ से क्या करता हूँ कि यहाँ से ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ यहाँ से भी कहीं बुढ़ा ना आ रहा हो, कहीं मेरा मुँह तोड़ दे बहुत ही बुरी तरीके से। तो यहाँ से तो कुसर गुड्डा कहते हैं। तो यहाँ पर एक ये पता नहीं शॉटगन है, तो इसे शॉटगन को उठाना है मुझे, तो उनको शॉक दे सकते हैं इस गन से। तो यहाँ पर किसी किसी के ओ तो बुढ़िया आ रही है, उसे मैं क्या करता हूँ कि शॉक दूंगा, और लग रहा है मैं आउट ना हो जाऊँ क्योंकि भाई साहब बहुत तेज आती है। तो उसे अरे ये नीचे, अबे डर गई क्या, शॉटगन को देख के डर गई क्या? तो चलो छोड़ो उस बुढ़िया को, उसको तो क्या कहते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी क्या करना है कि अब देख लेता हूँ, फिलहाल तो यहाँ से तो कोई आ नहीं रहा। तो क्या करना है कि मुझे यहाँ पर अपनी ये वाली बड़ी वाली गन उठा लेनी है, छोटे मोटे काम तो हम करते ही नहीं है। तो क्या करना है कि बड़ी वाली गन उठानी है, और मैंने पिक्चर और पीस तो लगा ली थी। फिलहाल अभी उसका आगे का काम रह गया था, तो आगे काम करना है, तो अभी फिलहाल ऊपर जाता हूँ और जो बाकी का काम रह गया था वो कम्प्लीट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर तो मैं ऊपर आ गया हूँ, और देख लेना। तो यहाँ पर मैंने गेट खोल लिया और यहाँ पर अरे मैं कहीं गलत तो नहीं आ गया, तो पता नहीं। तो यहाँ पर एक ड्रॉवर है, यहाँ वो तो यहाँ पर ड्रॉवर है, और यहाँ पर एक हैंड व्हील पड़ा है। तो इसे हैंड व्हील और ये वाला गेट तो नहीं खुल रहा, पता नहीं क्यों, शायद ये अदर साइड से लॉक हो रखा है, इसी वजह से शायद नहीं खुल रहा है। तो मैं उधर आ गया। तो मैं क्या हुआ था कि मैं अपनी जो रोड है वो मतलब सॉरी अपना गेट था उसके अलग साइड से आ गया था, मेरा गेट ये है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, फिलहाल ही मैं कन्फ्यूज़ हो गया। तो यहाँ पर एक पिक्चर पड़ रही है यार, अब मुझे दोबारा पिक्चर लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर ड्रॉप कर दे। तो क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक मैं पिक्चर लगा देता हूँ यहाँ, और तो यहाँ पिक्चर लगाने के बाद अपनी ये गन है जो जिससे मैं बुढ़िया का मुंह फोड़ा था उसे मैं ठा लेता हूँ। और यहाँ पर लॉक तो खुल चुका है, आप देख सकते हो। तो इस वाली मुझे यकीन नहीं था इतना बड़ा बड़ा घर होगा ये, इसका काफ़ी बड़ा घर। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि यहाँ पर निशाना लगाना है यहाँ पर मतलब, और निशान लगा के आगे वाला गेट खुलेगा। तो मुझे तो पता है कि यहाँ पर क्या करना है कि एक बार यहाँ में मतलब एक बार ये रुकता जरूर है चाहे, तो वहीं पर एकदम से धड़ कर दूंगा शूट, और ये गया मेरा। तो और यहाँ से भी देखना है कि यहाँ भी लगा देता हूँ अच्छे से, यहाँ पर लग जा, रुक जा भाई, रुक क्यों रहा ये। तो ये भी गया ले। तो यहाँ पर इसको भी इसका भी मुंह तोड़ ही देता हूँ मैं। तो यहाँ इसको भी मैंने अरे नहीं यार बंदूक कम पड़ गई। तो यहाँ पर मैं दोनों गोली एमओ ले लेता हूँ, और एमओ हाँ तो फुल हो गई मेरी बंदूक। अब देखते हैं कि यहाँ पर मतलब मार पता नहीं यार, थोड़ा मतलब एकदम रुक जा भाई, तू तो बहुत टाइम लगाएगी। तो ये भी गई लो भाई, यहाँ से तो मैंने गेट खोल दिया, और डर लग रहा कोई आना जा, कहीं बुढ़ा बुढ़िया ऊपर आके मेरे मुंह पे धर रहे एक बंदूक। तो यहाँ से तो मैंने और एमओ निकल नहीं रही, लग रहा है काम पे आने पे वो निकलती है। तो यहाँ पर क्या आना है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, बताऊँ क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कि ज़मीन जो है कि वो बिल्कुल सीधी सीधी नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर यहाँ पर लग रहा है ग्लास फ्यूज़। तो यहाँ पर मुझे ग्लास फ्यूज़ ढूंढना पड़ेगा और ग्लास फ्यूज़ लाना पड़ेगा। तो बहुत मैं क्या करता हूँ कि उससे पहले आगे जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं गया तो मैं आउट हो सकता हूँ, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी है और मुझे ग्लास फ्यूज़ ढूंढना पड़ेगा। तो अभी नीचे जाता हूँ, मुझे एकदम से लगा ये बुढ़ा है, तो मैं डर गया एकदम से। और यहाँ पर ग्लास फ्यूज़ मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो इनको एमओ में क्या है कि एमओ ख़त्म हो रखी है मेरी, तो यहाँ से तो एक एमओ मैंने उठा ली थी। बाकी क्या करना है कि नीचे देख लेता हूँ कि यहाँ पर कोई आ तो नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं नीचे क्राउच होता हूँ और देख, तो यहाँ से तो कोई नहीं आ रहा, और देख ले, और जैसे ही आएगा मुंह पे गोली खाएगा, इसलिए कोई आने वाला है नहीं मेरे सामने, क्योंकि मैंने बंदूक जो ले रखी है।
तो देख लेता हूँ मैं इधर से उधर, कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छा अच्छी बात है। और यहाँ से एक बुढ़िया आ रही है भाई, तो बुढ़िया भी आ रही है, ये तो गोली खाएगी मुझे पक्का पता है, क्योंकि इसने इसने कर्म ही ऐसे कर रखे हैं। मुझे किडनैप करेगी, मुझे किडनैप करेगी भाई, मुझे किडनैप करने वाले लोग बहुत बेकार लगे हैं। तो इसकी गोली आवाज़ सुन के बुढ़ा तो मुझे लग रहा आने वाला, शायद पता नहीं नहीं आ रहा उसे, वैसे भी सुना, वैसे वो बहरा हो रखा है उसे क्या सुनाई देगा। ड्रॉवर वगैरह हैं तो यहाँ इस वाले में देखता हूँ, मेरे पास तो एमओ भी ख़त्म हो रखी, तो फिलहाल मैं एमओ ले लेता हूँ, तो एमओ यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ और दूसरी एमओ तो यहाँ से देख लेता हूँ ड्रॉवर में, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, पर ना मुझे थोड़ी सी मेहनत करके और ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ से और इसे भी उठा लेता हूँ, तो यहाँ से मैं गेट खोल के और ढूंढना पड़ेगा, मुझे इधर से उधर देखना पड़ेगा कि एम, और भाई मैं डर गया और मैं आउट हो गया भाई, अचानक से आते हैं तो इसलिए मैं आउट हो जाता हूँ बहुत बुरी तरीके से। असल में अचानक से मुझे समझ नहीं आता मैं करना क्या, तो डे 3 हो चुका है और इस बार डे में पता नहीं हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही मतलब बुरा हाल हो गया। हमारा तीसरा डे है, हमारे पास ज़्यादा डे नहीं बचे हैं अभी, हमारे पास तीसरा डे है, फिर चौथा और पाँचवा डे, लास्ट डे जो होगा वो बच रखा है। तो 5 डे होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, तो यहाँ सब चल के देखता हूँ और आ रहा हूँ। और यहाँ पर मेरी जो यहाँ पर शॉर्ट गन थी मेरी यहीं पर पड़ी है, और यहाँ पर बुड्ढा आ रहा है और मुझे भाग लेनी चाहिए, मुझे पिछली बार की तरह से मुंह नहीं तोड़वाना है। तो फिलहाल तो यहाँ से बंदूक खाना है, इसने मुझे बहुत मार रखा है। तो आपको उस पर लिखा है कि 2 मिनट 30 सेकंड तक ये मतलब अनस्पॉन रहेगा, तो जब तक तो मेरा कोई फिक्र नहीं है। और ये बुड्ढा ये भी इसे भी गोली मार के मार ही देता हूँ, तो 2 मिनट तक फिर मैं फ्री हो जाऊँगा कि बार बार मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो एमओ जो बाकी तो मैं बाद में डाल लूँगा, फिलहाल तो मैं क्या ढूंढने वाला था, तो मैं ग्लास फ्यूज़ ढूंढने वाला था, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गई। तो यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर की एनुअल पड़ी है, तो इसे मैं उठा लेता हूँ मैनुअल है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैनुअल मैंने उठा लिया है कंप्यूटर की, सॉरी हेलीकॉप्टर की, सॉरी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसमें भी कुछ सामान नहीं पड़ा है, तो मुझे बड़ी मुश्किल से लग रहा है ढूंढना पड़ेगा। और लग रहा है जो ग्रैंडफा था वो बहुत ही अनस्पॉन हो चुका है, तो ग्रैंडफा क्या बुढ़ा था वो, हाँ मेरा मुँह तोड़ने में लगा रहता था बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ से तो कुछ है नहीं, इस पर भी देखता हूँ कि अब तो कुछ मिल जाए। तो यहाँ तो मैं कितनी बार ढूंढने आया तो कभी कुछ मिलता तो है नहीं, और यहाँ बाकी तो मैंने पूरा घर छान मारा और मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर एक क्रोबार मिल चुका है मुझे बहुत देर से, मैं ढूंढ रहा था तो मैंने पूरा घर छान मारा, कहीं पर भी मुझे मतलब मिल नहीं रहा। अब देखते हैं, पता नहीं इस वाले क्रोबार का यूज़ करके जो पेटी वगैरह जो पड़ी है ना उन्हें मैं खोल के देखता हूँ, तो उनमें देखता हूँ कि अगर मिल जाए तो अच्छी बात करनी है। और फिलहाल तो ये वाली पेटी इस वाले रूम में पड़ी, ये भी करूँ तो नीचे वाले में बाद में करने वाला हूँ, फिलहाल ये गेट बंद कर देता हूँ नीचे, तो अभी मैं ये वाली कर लेता हूँ, तो इसमें खोल के देखता हूँ क्या मिलता है। तो यहाँ पर तो मुझे केरोसिन मिल चुका है, तो फिलहाल इसमें कैरोसिन पड़ा है कि मैं इसी जो क्या करता हूँ क्रोबार को गिरा कर और कैरोसिन ठा लेता हूँ, तो ये मैंने पता नहीं क्यों गिरा दिया। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि फिलहाल तो मैं क्रोबार ठा लेता हूँ, कैरोसिन मैंने इसलिए गिरा दिया क्योंकि यहाँ पर मुझे बाकी काम भी रह गया, मतलब मुझे और नीचे वाला भी जो है ना वो, तो उसे भी मुझे खोलना है, उसमें देखना है क्या मिल सकता है। तो फिलहाल तो यहाँ तो मुझे डर लग रहा, तो यहाँ पर जो ग्रैंडफा थे वो आ रहे हैं मेरा, ओ भाई मेरा क्या होगा, इधर से ग्रैंडफा इधर से ग्रैनी, अब मुझे पता नहीं क्या करना। तो एक साइड से आ रहा है, मुझे लग रहा है एक साइड से घूम के भाग लेना चाहिए, तो भाई मैंने भाई बड़ी मुश्किल से जान नीचे ही पड़ा, तो मुझे नीचे भी जाकर देखना है, तो यहाँ वाले खोल के देखता हूँ क्या मिलता है इसमें। तो यहाँ पर यार कटिंग प्लायर से मिला है, तो यहाँ पर इसमें कुछ फ़ायदा है नहीं, तो मुझे पता नहीं कहाँ यार मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, तो बड़ी मुश्किल से मुझे लग रहा है मिलने वाला तो है नहीं जल्दी से। यहाँ पर मेरे पीछे बुड्ढा पड़ गया था और मैं इधर से आ गया था, मतलब क्रोवाड़ लेके, बाकी तो और कुछ नहीं। तो यहाँ से मैं इस वाले ड्रॉवर में देख लेता हूँ और यहाँ पर कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर मेरी मुश्किल से मुझे ग्लास पीस मिल गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो फिलहाल तो अभी मैं क्या करता हूँ कि ऊपर जाके देखता हूँ और मेरे से ये भी बच गया गिरने से, तो यहाँ वो जल्दी से गेट को लगा देता हूँ और इसका भी बंद कर देता हूँ। तो यहाँ से भी फिलहाल करता हूँ कि ऊपर जाके देखता हूँ कि मिलता है नहीं मिल, मतलब ये तो लग ही जाएगा मुझे बहुत, और नीचे आ गया मैं यार। तो क्या करता हूँ कि ऊपर जल्दी से पहुँच जाता हूँ और देखता हूँ क्या मिलता है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, अब देख लेना, यहाँ पर मैं निशान लगाया था, बाकी तो और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ग्लास फ्यूज आपको लगाना है, और यहाँ से भी मेरी मतलब जो होगी वो मतलब नहीं गिरेगा। और यहाँ पर एक हैंड व्हील पड़ा है, हैंड व्हील नहीं है ये बोर्ड स्टेयरिंग व्हील है, तो यहाँ जिससे कि बोट चलेगी, मतलब नीचे एक बोट आपको देखी होगी आपने, तो वो बोट इससे चलेगी बाकी। और मुझे आगे यहाँ पर तो कुछ खास है नहीं, बाकी यहाँ पर जो बम्पर पड़ रहे, तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको टेप लाना है, जो नीचे आपको मैंने बताया था
टेप, तो टेप यहाँ पर लगाना है और तब इसकी पंखड़ी ठीक होगी। और इसमें क्या करना है, आपको डीजल वगैरह डालना है, मतलब केरोसिन वगैरह जो आपको इसमें डालना है आप देख लेना। तो यहाँ पर केरोसिन लाना पड़ेगा मुझे, गैसोलीन। तो अभी नीचे जाता हूँ और जल्दी से मैं गैसोलीन जो है कि लेके आता हूँ। वो यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह देख रहा है, तो मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा कितनी देर में जाएगा नहीं जाएगा। तो यहाँ मुझे बहुत देर हो गई इंतज़ार करते करते, और ये बुढ़ा अभी तक जा नहीं रहा है। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है इस बुढ़े की वजह से, पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है बुढ़ा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है उसे। तो पता नहीं इसे क्राउच को देखता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं, ये इसे बहुत ज़्यादा मेरे को ढूंढ रहा लग रहा है, इसे मैं मिल नहीं रहा हूँ इसी वजह से ये ढूंढने जा रहा है, इसे लग रहा है पता नहीं कितनी देर में आऊँगा मैं। तो इसे तो मैं यहाँ पर आ गया था और मैंने देखा यहाँ पर कि मतलब इधर तो मैं आ गया था और ये तो अभी तक बुड्ढा गया ही नहीं भाई। तो यहाँ पर मैं आ गया था और मैंने देखा कि ये यहाँ से नीचे जा सकते हैं, तो अच्छी बात है कि यहाँ से मैं नीचे आ गया। इतने बुढ़े ने मुझे देख लिया और मुझे आने लग गया, मतलब मुझे मारने लग गया। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, गेट लगा के और बैठ के नीचे छुप जाता हूँ, वरना मेरा मुँह तोड़ देगा वो। तो यहाँ पर बुड्ढा आ गया और भाई आ रहा है आराम से, मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए इसका लगता है। तो यहाँ पर तो चला गया शायद बुड्ढा, मैं बाहर निकल के अभी नहीं देख, हाँ तो निकल जाता हूँ अभी देख लेता हूँ बाहर। तो गेट तो मैं लगा देता हूँ और अपनी बंदूक भी ठानी है, मुझे बंदूक भी नहीं, मैंने अपनी शॉट गन थी वो ली नहीं थी, तो इसकी एमओ तो है नहीं इसमें, मैं क्या कर इसका फ़ायदा तो अभी कुछ है। तो भाई ग्रीन ने मुझे देख लिया और जल्दी से मैं बैठ के चो भाई, एंड टाइम पे मैंने ग्रीन मतलब बैट ग्रीन से छुप गया, वरना आज मैं गया होता भाई। मुझे तो उम्मीद भी थी ग्रीन यहाँ पर एकदम से अचानक से आ जाएगी, तो लग रहा है कि यहाँ पर ढूंढ लेगी शायद मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर ये जा रही है लग रहा है, यहाँ इसने मुझे देखा है नहीं, तो फिलहाल तो यहाँ से जा रही है, शायद चली गई होगी। तो मुझे बाहर आ जाना चाहिए, इसकी कोई टेंशन नहीं है मुझे, पर जा चुकी है मुझे लग रहा है। और यहाँ पर बुढ़ा तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मुझे एमओ वगैरह भी भरनी है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि एमओ अपनी जो है कि एमओ भर लूँगा। और आ तो नहीं आ रहा, तो यहाँ से आ तो नहीं रहा है। और बाकी तो मुझे नीचे जा कर देखता हूँ और आगे का सामान भी लेना है मुझे, मतलब जो बाकी का जो रह गया है, मतलब टेप वगैरह। और यहाँ पर बुढ़ा आ रहा है, तो फिलहाल तो इसे मतलब ओ भाई मैं गया। तो यहाँ पर मैं पता नहीं कितनी बार मैं भूल गया, कितनी बार मैं आउट हो रहा हूँ, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा फोर्थ डे है फ्रेंड्स, और इस बार पता नहीं मैं आउट हो तो खास मैं इस बार पार कर जाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ना अगर मैं ऐसे ही आउट होता रहा तो इस गेम को मैं पार कर भी पाऊँगा नहीं कर पाऊँ, पढ़ता हूँ और देखता हूँ। कदम उठाओ उठाओ भैया कदम उठाओ, अगर आउट हो गया तो पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पर तो कोई है नहीं लग रहा है, और आराम से जाना पड़ेगा क्योंकि कोई मेरा मुंह तोड़ के आ सकता है बुढ़ा बुढ़िया में से दोनों। तो यहाँ पर मेरी शॉट गन पड़ी है, इसे मैं ठान लेता हूँ अभी फिलहाल। तो भाई भाग लेता, बुढ़े ने देख लिया, मैंने उसे देख लिया था उसके पैर वगैरह, मतलब पैर देख लेते उसके डंगे, तो पैर तो भाई से भाग आया मैं। तो यहाँ से भाई साहब मुझे बहुत डर लग रहा है कि बुढ़ा दोबारा घूम के ना आ रहा हो, तो इस बार शॉट गन ठा ही लेता हूँ और भाई डल देख लेता हूँ कि आ भी रहा नहीं आ भी रहा। तो यहाँ से शॉट गन उठाता हूँ और पास जाता हूँ, और भाई ओ भाई आ रहा है आ रहा है आ रहा है, फिर मैंने देख लिया उसे भाई। अच्छा वो मैंने इन टाइम पे उसे देख लिया, वरना इधर से बुढ़िया क्या कर रही है। तो ये बुढ़िया उड़ा यहाँ से इधर से आ रही, मुझे क्या करना चाहिए कि ऊपर जाना चाहिए और ऊपर देखना चाहिए कि मतलब है कहाँ पर। तो यहाँ पे से ऊपर जल्दी से ऊपर जाता हूँ मुझे लग रहा है। तो ऊपर तो फिलहाल ऊपर जाकर काम नहीं है कुछ भी मुझे। तो यहाँ से मैं यहाँ क्या करना है कि मुझे जो कैरोसिन वगैरह ठा लेता हूँ और ऊपर जाके उसमें मतलब गैसोलीन है, सॉरी फ्रेंड्स गैसोलीन मैंने ठा लिया है यहाँ पर। तो ऊपर जाने वाला हूँ, ऊपर जाके जो हेलीकॉप्टर है तो उसमें गैसोलीन डालूंगा। तो यहाँ पर मैंने रास्ता खोल देता पिछली बार, तो यहीं से चला जाता हूँ, ज़्यादा मतलब उधर से घूमने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर इधर से जाके अपनी जो कि गैसोलीन है इसमें डाल देता हूँ, मतलब। तो यहाँ पर देखते हैं कितना थोड़ा, तो यहाँ पर इसके जो पूरा ऐसा लगता है ना गेम थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत जल्दी गेम मतलब जल्दी नहीं है कि मतलब अगर आप खेलोगे ना तो आपको तो करीब कहीं ना कहीं गए तो 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा सीखने में। 1 हफ्ता तो नहीं, मान लो अगर 1 हफ्ता मान के चलो कि, पर गेम के ज़्यादा वैसा नहीं है, मतलब ज़्यादा अगर और सीरीज़ बन पाती तो मैं और सीरीज़ भी बनाता इसका बाकी तो लेकिन गेम ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा ये। तो यहाँ से अभी फ़िलहाल तो मैं नीचे जाकर देखता हूँ, और यहाँ पर बुढ़िया आ रही है और इसको तो मैं, इसने यहाँ पर ये गिरा रखा है कांटा, जिससे कि मैं फंसूँ और मैं मर जाऊँ, मतलब इसके पकड़े जाऊँ मैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पूरी जो अपनी शॉर्ट गन थी वो शॉर्ट गन ठा लेता हूँ यहाँ से मैं, और यहाँ से देख लेता हूँ कोई आ तो नहीं रहा।
तो यहाँ से ढूंढ लेता हूँ। फिलहाल तो मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, हाँ तो मैं टेप नहीं मिल रहा। हाँ शायद मुझे तो टेप अभी तक मैंने अभी तो देखा भी नहीं कि टेप है कहाँ पर। तो क्या करना है कि मुझे टेप भी ढूंढना है मुझे, और टेप तो हाँ शायद मैंने नीचे गिराया था, क्योंकि मैंने याद आ गया कि मैंने नीचे गिराया था टेप। तो फिलहाल तो भी मुझे नीचे जाना है और टेप उठा के लाना है, और यहाँ तो कुछ है नहीं। फिलहाल तो नीचे जाता हूँ और टेप उठा के लाते लेके आता हूँ। तो मैं नीचे आ गया हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पर, और यहाँ पर पता नहीं आएगी नहीं। यहाँ पर मैं अपनी गन गिरा दी है मैंने यहाँ पर, और क्योंकि इस मैंने इसलिए गिराई क्योंकि अगर मैं टेप उठाऊँगा तो कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर तो है नहीं टेप, पता नहीं कहाँ है टेप। तो शायद पता नहीं मैंने टेप कहाँ कर गिरा दिया। हाँ तो यहाँ पर पड़ा है टेप, मैंने देख लिया ये। तो यहाँ पर टेप पड़ा है, मैंने उठा लिया। और यहाँ पर भाई बढ़िया भाई, ये मेरा पता है शायद 5वीं बार आउट हो रखा हूँ मैं, मतलब 4थी बार में आउट हो चुका हूँ। लग रहा है मेरा 5वीं और लास्टवीं बार हो सकता है। हाँ तो मेरा ये लास्ट डे है फ्रेंड्स, और अगर इस बार अगर मैं पार नहीं कर पाया तो ये गेम हो जाएगा, इस बार मैं आउट हो जाऊँगा। इसलिए मुझे लग रहा है मुझे ये कंप्लीट करना ही होगा, और मुझे पूरी कोशिश करनी है कि मैं आउट ना हो। अगर आउट भी हो गया तब भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन लेकिन ना हो तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर पता नहीं आउट हो भी पाऊँगा, मतलब आउट ना हो तो और अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि आउट ना हो, खास भगवान हे प्रभु आउट ना हो। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आउट होऊंगा भी नहीं होऊंगा। तो लग रहा है यहाँ तो है नहीं कोई शायद। तो यहाँ से क्या कर, तो मुझे अपनी टेप वगैरह उठा लेता हूँ, यहाँ से टेप उठा तो आतुन कोई, हाँ शायद नहीं आ रहा। तो अब मैं फिलहाल टेप, यहाँ चलो अपनी गन ले कर देख के आता हूँ कि अगर कि कोई आ भी रहा नहीं आ रहा। तो यहाँ से टेप उठाता हूँ, कोई नहीं आ रहा। तो यहाँ से बुढ़ा आ रहा है, इसे शॉर्ट गन से मारूं। अब तो इसके लग रहा है इसके पीछे बुढ़िया भी आएगी, तो उसका इंतज़ार करता हूँ और देखता हूँ बुढ़िया कितनी देर में आने वाली है। तो जल्दी जल्दी मुँह उठा के भागती भी आ रही होगी कि मेरा पति मेरा पति। हाँ तो बुढ़िया आ चुकी है, और इसका भी मुँह तोड़ देता हूँ। ये भी तू भी गोली खा। तो ये गोली मेरे से 5 दूसरी 3री बार खा रही है मेरे से, क्योंकि और यहाँ मेरा वो कहाँ गया टेप, शायद पता नहीं इस बुढ़े के नीचे चला गया होगा। तो इसे भी हटा कर देखना पड़ेगा। तो टेप, हाँ तो टेप मेरा शायद ये हैगा। तो अभी क्या करता हूँ कि ना मिलने, हाँ तो टेप तो हो गया और मुझे ऊपर जाना होगा। टेप है मैंने गिरा दिया। फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, जो अपनी शॉर्ट गन थी ना मेरी, तो शॉर्ट गन ले कर आता हूँ बाकी की, उसका काम पड़ सकता है मेरे ऊपर। तो फिलहाल मैं शॉर्ट गन ठा लाता हूँ। तो यहाँ पर मैं नीचे आ गया हूँ, आप देख सकते हो मैंने शॉर्ट गन ठा लिया यहाँ पर उसका। तो यहाँ पर बुढ़ा बुढ़िया जो थे अनस्पॉन हो चुके हैं, और यहाँ पर देख लेता कुछ पड़ा पड़ा तो है नहीं। तो यहाँ भी कुछ भी नहीं है, यहाँ से मैं फिलहाल मुझे ऊपर जाना पड़ेगा और अचानक से ना आ जाए। और तो यहाँ पर इसमें एमओ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो यहाँ पर एमओ पड़ी है। तो मैं यहाँ करता हूँ कि यहाँ से मैं, हर चीज़ तो मेरे को मिल चुकी है, लेकिन क्या करूँ कि मेरे को एक चीज़ नहीं मिल रही है, वो है हेलीकॉप्टर की की। क्योंकि हेलीकॉप्टर की के बिना हेलीकॉप्टर बिल्कुल भी जा नहीं सकता, तो मुझे हेलीकॉप्टर की ढूंढनी पड़ेगी। मेरे को सारी चीज़ें मिल चुकी हैं लेकिन हेलीकॉप्टर की नहीं मिल रही है। फिलहाल तो मैं हेलीकॉप्टर की ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। असल में जितना लेट होगा उतना मैं आउट होगा। तो मुझे हेलीकॉप्टर की बार बार ढूंढनी पड़ रही है, मतलब इधर से उधर। पहले मैंने ग्लास फ्यूज़ ढूंढा, अब मैं हेलीकॉप्टर की ढूंढ रहा हूँ। तो पता नहीं हेलीकॉप्टर की कहाँ मिलेगी मुझे, और टाइम लगेगा शायद मुझे ढूंढने में। तो इस पर तो है नहीं, और बुढ़ा बुढ़ी जो अनस्पॉन थे मतलब वो आ चुके होंगे। तो यहाँ से वो, यहाँ से एक बुढ़ाऊ तो आ रही है। तो यहाँ से फिलहाल तो मुझे यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, और देखता हूँ कि अगर पता नहीं कितना टाइम लग सकता है कि जो हेलीकॉप्टर की, और यहाँ से बुढ़ा हो रहा अचानक से, भाई साहब मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से भी क्या करता हूँ कि यहीं जो बेड के नीचे इंतजार कर दूंगा। फिलहाल तो बेड के नीचे इंतजार, तो क्या करता हूँ कि अभी बेड मेरे को आगे मुंह तोड़ देगा, इसे तो इसे बंद करता हूँ और बेड के नीचे छुप जाता हूँ। तो भाई उसने गेट खोल लिया और वो आ रहा है इधर को, कोशिश तो करेगा ही, मतलब देखेगा कि आ रहे हैं। तो यहाँ उसने लग रहा नहीं आ रहा, वो मेरे से डर गया, उसे पता चल गया कि मैं छुप चुका हूँ, तो शायद आ नहीं रहा इसी वजह से। तो क्या करूँ कि शायद बाहर निकल जाना चाहिए मुझे अगर, क्योंकि आया तो है ना वो। तो शायद हाँ, तो यहाँ तो बुढ़ा बिल्कुल भी आ नहीं रहा है, तो यहाँ से भी निकल जाता हूँ फिलहाल तो बाकी। और पता नहीं कितना टाइम लेगा वो, और यहीं पर था, यहीं पर, यहीं पर गोली खा तू। तो यहाँ पर 2 मिनट 30 सेकंड के लिए ये आउट हो चुका, मतलब अनस्पॉन हो चुका है। तो यहाँ पर अगर बुढ़िया आ जाओगी तो उसे भी मार कर अनस्पॉन कर दूंगा बाकी। तो आ जाए जल्दी से। तो यहाँ पर बुढ़िया भी आ चुकी है, उसे भी मार कर अनस्पॉन कर देता हूँ जल्दी से और ऊपर भाग लेता हूँ। बाकी तो मेरी जो एम होती है वो ख़त्म हो चुकी है। तो फिलहाल यहाँ तो है नहीं,
तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि ऊपर जाकर देखता हूँ और देख लेता हूँ, जल्दी से ऊपर जाता हूँ तो मेरे पीछे नहीं आ रही मेरे पीछे। बाकी तो मुझे ऊपर जाकर देखना पड़ेगा कि बुढ़िया बुढ़िया तो मर चुकी है फिलहाल। मुझे बाकी जो सामान है वो ढूंढना पड़ेगा और इसको खोल के देख लेता हूँ। हालिया और जल्दी में क्या करता हूँ कि जो पंखड़ी वगैरह है ना कि भी फ़िलहाल उन्हीं को जोड़ देता हूँ। मैंने टेप तो मैंने उठा लिया था तो फिलहाल जो भी वो नहीं मिल रहा है तो पंखड़ी वगैरह जो मतलब हेलीकॉप्टर की जो पंखड़ी है वो ठीक कर देता हूँ फिलहाल जाके। तो यहाँ पर मैंने इसको टेप लगा दिया और ये हो चुकी है ठीक। फिलहाल अंदर जाकर देखता हूँ, अंदर जाने के लिए बटन आप देख सकते हो ऊपर हेलीकॉप्टर का निशान आ रहा हो, उस पर क्लिक कर देना अंदर वार्ता उसी से हो सकते हो। तो यहाँ तो पता नहीं की पता नहीं मिलने की भी नहीं मिलेगी, मुझे बहुत ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ देख सकते हो आप दोनों मेरे पीछे पड़ चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी नीचे भाग लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पीछे तो पड़ चुके हैं तो अभी मैं साइड को यहाँ जाता हूँ और देख लेता हूँ की वगैरह मिल जाए तो अच्छी बात है मेरे को। मैं लगाना है जिससे कि तो ये वाला गेट भी खुल जाएगा बाकी, और इसमें कुछ नहीं है इसे बंद कर देता हूँ। तो पता नहीं वो तो मेरे पीछे आ गया भाई, मुझे बहुत डर लग रहा था इस बार मैं आउट ना हो जाऊँ, बहुत डर लग रहा मुझे। तो अभी ऊपर जाकर देखता हूँ कि मैं मार ना खा लूँ बहुत बुरी तरीके से। तो मुझे पता भी नहीं था कि अचानक से आ जाएगा और वो आ भी गया भाई। तो पता नहीं इधर से जाकर देखता हूँ तो इधर से बुढ़िया ना आ रहे हो, मुझे बहुत डर लग रहा। तो इसे वैसे भी इसे मत्थे पर एक मारूंगा ना, मतलब ये शॉक गन एक दूंगा इसके मुँह पर, इसके मैं इसमें छुप जाता हूँ बड़ी जल्दी। इसे अगर डोर लॉक कर देता हूँ यहाँ से और इंतज़ार करता हूँ आ तो नहीं रहा। तो इसने गेट तो खोल लिया है, मुझे लग रहा है कि अंदर तो ना अंदर तो नहीं आ जाएगा वो, अंदर वैसे वैसे ज़्यादा दिखाई नहीं देता है तो उसे दिखाई तो नहीं देता है शायद, पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा वो। तो जा चुका है फ्रेंड्स और यहाँ पर देखता हूँ पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा मेरे को। तो ये और यहाँ पर ये क्या पड़ा है, तो इस ये स्पार्क प्लग पड़ा है का कुछ काम तो है नहीं। तो भाई इधर से बुढ़िया आ रही है और इसे मुझे लग रहा इसे मैंने शॉक दे दिया और ये तड़प 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 तड़प। आज मुझे खुशी होती है मैंने किसी फालतू बुढ़िया को मार कर, और इससे इसकी जो मैंने अपनी जो आगे की शॉक थी वो मैंने ठा ली है। और इधर से बुढ़ा ना आ रहा उसे मुझे ऐसे बचना पड़ेगा, तो ढूंढना तो मुझे पड़ेगा ही, कितनी टाइम लग जाए मुझे उसको ढूंढने में। तो यहाँ पर बुढ़िया आ रही थी और इसने मुझे लास्ट बार यार मार दिया, इसने लास्ट डे मेरे को मार दिया। तो भाई अब क्या करूँ, इसने लास्ट डे मुझे मार दिया लग रहा है सुबह। तो अभी मुझे क्या करना होगा कि मुझे इस अब तो मेरे को सज़ा मिल रही, पहली बात तो मैं सज़ा काट लेता हूँ इसने मुझे। मैं तो इन्होंने मुझे क्या करा है कि एक यहाँ पर जो नीचे पता नहीं क्या था, क्रीचर था क्रीपर था पता नहीं क्या था, ये भी नहीं पता मुझे इसका नाम क्या। तो इसने मुझे सजा दिया है, इन्होंने मुझे पानी में गिरा दिया है और ये मुझे जो जो बुढ़ा है कि वो 3 बार नीचे खटखट करेगा और ये मुझे खा लिया। तो गेम ओवर हो चुका है, मुझे बुरा लग रहा है। तो बाकी फ्रेंड मैंने क्या करा था कि अब जो मैंने सारा कुछ कर लिया था, बीच में स्क्रिप्ट जो बाकी का सीन था मैं दोबारा दोबारा नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने बाकी सीन था वो स्क्रिप्ट कर दिया था। जब बाकी यहाँ पर मेरे को की भी मिल चुकी है हेलीकॉप्टर, तो की मैं ठा लेता हूँ और जाकर देख लेता हूँ। बाकी जो पीछे का सीन था मैंने स्क्रिप्ट कर दिया था बाकी, और यहाँ पर की मिल चुकी है मेरे को तो इसे भी आगे इसे बंद कर देता हूँ। हेलीकॉप्टर की तो मुझे मिल ही चुकी है और बाकी के सामने तो मैंने पिछली वाली मतलब कर ही दिया था पीछे सारा काम। तो यहाँ पर और यहाँ पर चलो यहाँ से भी देखता हूँ कि अगर की तो मिल चुकी है अच्छी बात है, की मतलब एंड टाइम पे की मिल गई सबसे अच्छी बात है। और भाई अब हेलीकॉप्टर उड़ाने की बारी आ चुकी है, भाई चल चुका है, मुझे खुशी हो रही है भाई बहुत ही ज़्यादा। तो अभी ये उड़ने वाला है बहुत ही, तो अच्छे से यहाँ देख लेता हूँ मतलब हेलीकॉप्टर तो खट 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 खट, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। तो अभी यहाँ पर मैं ऊपर उड़ने लग गया है यहाँ पर, और ओ भाई बुढ़ा भी आ गया ऊपर ऊपर आ गया, उसे हेलीकॉप्टर से गोलियां मार देता हूँ लेकिन नहीं मार सकते। बाय बाय दादाजी, हम जा रहे हैं, बाय 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 दादाजी।
तो फ्रेंड गेम का हो चुका है दी एंड। फ्रेंड्स अगर आपको गेम मतलब मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल फ्रेंड्स मैंने अपनी जो वीडियो की सीरीज भी चला रखी है, मतलब मैंने माइनक्राफ्ट की एक सीरीज चला रखी है माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की, तो जाके आप वो वाली सीरीज भी देख सकते हो। अभी मैंने कुछ वीडियो डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है, तो आप जाके उसको भी देख सकते हो। फिलहाल आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप चाहते हो कि मैं और वीडियो लाऊँ ऐसी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।